प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं एस कुमार, मनोज आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, यह इकोनॉमिक्स की आंसर सीरीज चल रही है और इसमें आज हम लोग अगले क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं। आज हमारा क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे सामने, कर खर्च। कर खर्च क्या है, इसके नाम पर मत जाइएगा, थोड़ा सावधान रहिएगा। कर खर्च क्या है आज आपको मैं बताऊंगा इसके बारे में, और हमें इसके बारे में समझना चाहिए। तो देखते हैं कि कर खर्च है क्या। हमारा प्रश्न यहां पर देखिए क्या है, कर खर्च क्या है। ठीक, कर खर्च, अच्छा नाम से कैसा लग रहा है, नाम का मतलब टैक्स और खर्च मतलब जो है स्पेंड, तो ऐसा नहीं है। पहले समझिए कर खर्च क्या है। गृह क्षेत्र में उदाहरण लेते हुए विवेचना कीजिए कि यह शासन की बजट संबंधी नीतियों को कैसे प्रभावित करता है। समझ रहे हैं, गवर्नमेंट का जो बजट है उस पर इसका इंपैक्ट किस प्रकार होता है। तो अगर एक बार आप ये समझ गए कि कर खर्च है क्या, तो आप ये भी समझ पाएंगे कि यह बजट को कैसे इफेक्ट कर सकता है। सबसे पहली बात आप देखें, सरकार अपने नीतिगत लक्ष्यों को पूरा करने के लिए विशेष कर छूट, कटौती, रियायत, स्थगन इत्यादि जैसे उपाय के माध्यमों से आम जन के लिए सरकार द्वारा छोड़ी गई राशि क्या कहलाती है, कर खर्च कहलाती है। मतलब कर खर्च क्या है, कर्ज जो है एक तरह की छूट है, लेकिन वह छूट सरकार कैसे देती है मैं आपको समझाता हूं। देखिए, जब आप टैक्स पे करने जाते हैं, ठीक है, तो उस समय आपसे पूछा जाता है कि भाई आपने कोई पॉलिसी वगैरह तो नहीं ले रखी है। अगर मान लीजिए आपने कोई पॉलिसी ले रखी है, तो उस पॉलिसी पर गवर्नमेंट क्या करती है, आपको टैक्स में छूट दे देगी। मतलब आप जितना टैक्स भरना चाहिए उससे क्या कर रहे हैं, आप कम टैक्स भर रहे हैं। क्यों भर रहे हैं, ऐसा आपको क्यों मिला, क्योंकि आपने मान लीजिए कोई ना कोई पॉलिसी ले रखी है। तो आप देखेंगे कि यहां पर गवर्नमेंट को कुछ पैसा छोड़ना पड़ रहा है। अगर मान लीजिए आप कोई पॉलिसी ना लेते, तो वह पैसा कहां पर चला जाता, वह पैसा टैक्स के द्वारा किसके पास चला जाता, गवर्नमेंट के पास चला जाता। लेकिन आप यहां पर क्या देख रहे हैं कि जैसे ही यहां पर आप पॉलिसी लेते हैं, तो आपने देखा कि कुछ पैसा जो है आपको गवर्नमेंट रिलीफ करती है, वह रिलीफ किया हुआ पैसा ही क्या कहलाता है, कर खर्च कहलाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्या कहलाता है, कर खर्च कहलाता है। अब इसमें देखिए ये कैसे कैसे हो सकता है, छूट, कटौती, रियायत, इस तरह से अलग अलग जगहों पर आपको गवर्नमेंट देती रहती है। अच्छा, इसमें सरकार प्रत्यक्ष व्यय, मतलब देखिए इसमें सरकार का कुछ लग नहीं रहा है। प्रत्यक्ष व्यय का मतलब क्या हुआ, सरकार को अपने जेब से आपको कुछ नहीं देना है, बल्कि जो पैसा सरकार के पास जाने वाला था उसमें से वह कुछ पैसा कम ले रही है। ठीक है, के बिना कुछ सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश करती है। मतलब वो चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वह जो है इंश्योरेंस बीमा पॉलिसी वगैरह करवा लें, अन्य जगहों पर वह इस तरह की छूट देती है। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। अच्छा, अगर ये छूट नहीं दी जाती तो कटौती की गई राशि किसके पास चली जाती, समझ रहे हैं, यह पैसा किसका होता, ये सरकार का होता। सरकार ने, ये देखिए इंपॉर्टेंट बात है, और आप देख सकते हैं सरकार का जो कर व्यय है वो क्या है, वह बेसिकली सरकार के कुल राजस्व में से सरकार के कर में जो छूट दी जाती है उसी को यह प्रदर्शित करता है। यहां पर आप देख सकते हैं सरकार ने वर्ष 2012-13 के दौरान केंद्रीय बजट में किन किन चीजों को इसने और डाला है कर खर्च के अंतर्गत, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसने डाला है आवास क्षेत्र, आप देख सकते हैं आवास क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, राजस्व क्षेत्र, इन क्षेत्रों को भी इसने वर्ष 2012-13 में इन्हें भी ऐड किया। मतलब गवर्नमेंट क्या चाहती है कि सबके पास अपना घर हो, औद्योगिक इंडस्ट्री खूब डेवलपमेंट हो, समझ रहे हैं, इन सारी चीजों को, राजस्व जो क्षेत्र है उसमें, इन सारी चीजों में भी इसने क्या किया है, कर खर्च दिया था। अब आइए बच्चों थोड़ा सा और चलते हैं, गृह क्षेत्र में कर खर्च के कुछ उदाहरण इसको हम देखते हैं। आप यहां पर समझिएगा, यहां पर आपको मैं दिखा रहा हूं गृह क्षेत्र में, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में मेंशन था कि गृह क्षेत्र में इसको कैसे कर खर्च को अप्लाइड किया जाता है, इसको समझना चाहिए हमें। देखिए पहला जो है इसमें है गृह किराया भत्ता, ठीक है, पूरी तरह से आयकर से मुक्त होता है, समझ रहे हैं। गृह किराया भत्ता जिसको हम कहते हैं होम रेंट अलाउंस, होम रेंट जो अलाउंस है वह जो है क्या है, पूरी तरह से जो है वह मतलब जो है आयकर से क्या होता है, मुक्त होता है, ठीक है। अच्छा, आवास ऋण के लिए ब्याज भुगतान और मूल भुगतान के लिए कर छूट की अनुमति है, ठीक है, यह भी ध्यान दीजिएगा आप। यहां पर देखिए हम यहां पे नोट कर देते हैं, आपको बता देते हैं, इसे हमें समझना चाहिए, और किस किस चीज के लिए, आवास ऋण, ठीक है। यहां पर देखिए गृह किराया भत्ता,
ठीक है। और देखिए वर्ष 2013 के केंद्रीय बजट में 25 लाख का जो आप होम लोन लेते हैं, ठीक है, 25 लाख के होम लोन पर 1 लाख, समझ रहे हैं, 1 लाख की अतिरिक्त छूट दी गई। मतलब अगर आप 25 लाख का लोन लेंगे तो उस पर आपको 1 लाख की छूट भी दी गई है। और देखिए यदि किसी नए घर में निवेश किया जाता है तो कैपिटल गेन टैक्स में क्या होता है, छूट दी जाती है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, इसमें छूट दी जाती है, कैपिटल गेन टैक्स जो लगता है उसमें क्या मिलेगी, छूट मिलेगी। तो आप देख सकते हैं इस तरह से गृह क्षेत्र में जो है हमने यहां पर अलग अलग तरह से क्या है, छूट का प्रावधान यहां पे गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। अब देखिए कर खर्च के कारण सरकार की बजट संबंधी नीतियां कैसे प्रभावित होती हैं, क्योंकि यही पूछा गया था आपसे। पहला प्रश्न ये था कि कर खर्च क्या है, दूसरा प्रश्न इसमें ये पूछा गया था कि गृह क्षेत्र में इसे किस प्रकार से अप्लाइड किया गया है, तीसरा इसमें ये प्रश्न था कि आप बताएं कि इसमें इसकी बजट संबंधी नीतियां कैसे प्रभावित होती हैं। तो जब गवर्नमेंट के पास पैसा कम पहुंचेगा तो उसकी नीतियां प्रभावित तो होंगी। आइए देखते हैं, कर खर्च के कारण सरकार का राजकोषीय घाटा जो है वह क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कर खर्च के कारण क्या होता है भाई, राजकोषीय घाटा बढ़ जाएगा, निश्चित रूप से उसके पास फंड कम पहुंच रहा है। अच्छा, जिसे पूरा करने के लिए सरकार विभिन्न स्रोतों से क्या करती है। अब गवर्नमेंट के पास जब राजकोष में जो है पैसा कम है तो उसके लिए गवर्नमेंट को क्या लेना पड़ेगा, ऋण लेना पड़ेगा। तो देख रहे होंगे जब एक बार गवर्नमेंट के पास ऋण बढ़ रहा है तो उसकी नीतियां तो प्रभावित होंगी। अब देखिए गृह क्षेत्र में कर छूट के कारण ऋण में वृद्धि होती है, और अगर ऋण की वसूली नहीं हो पाती है तो बैंकों का जो है, यहां पर आप देख सकते हैं, तो बैंकों का एनपीए बढ़ जाता है। एनपीए होता है बच्चों नॉट प्रॉफिटेबल अकाउंट, मैं इसके बारे में आपको बताता हूं, आप इसको समझिएगा। एनपीए क्या होता है, एनपीए होता है नॉट प्रॉफिटेबल अकाउंट। बेसिकली होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति या कोई भी सोसाइटी या कोई भी कंपनी अगर बैंक से लोन ले ले और लोन लेने के बाद उस लोन को चुकाए नहीं, तो इसका मतलब बैंक या उसका जो ऋण है वह ऋण ना दे, समझिएगा इस बात, ब्याज जो है ब्याज ना दे, तो ब्याज अब क्या हुआ कि उस पैसे पर जो बैंक ने किसी व्यक्ति को किसी संस्था को दिया था उस पर उसके पास कोई भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो इस तरह के अकाउंट को एनपीए अकाउंट घोषित कर दिया जाता है। तो गृह क्षेत्र में कर छूट के कारण ऋण में वृद्धि होती है, और अगर ऋण की वसूली नहीं हो पाती है तो बैंकों का क्या हो जाता है, एनपीए बढ़ जाता है। इसके लिए सरकार बजट के माध्यम से अब देखिए बैंकों को क्या देती है, अतिरिक्त पूंजी देती है। तो इसका मतलब देख रहे हैं, फिर सरकार के ऊपर दबाव आया, एक तो उधर आपके पास उसने छूट कर दी लेकिन वह पैसा उसके पास वसूल नहीं हो पा रहा है, तो बैंकों को अतिरिक्त पैसा देना पड़ रहा है गवर्नमेंट को। और देखिए कर छूट से कर राहत पाने के लिए प्रावधानों का दुरुपयोग करना आसान हो जाता है, इस बात को भी समझिए। देखिए जब किसी चीज में छूट मिलती है तो लोग क्या करते हैं, उस पैसे को, उस ऋण को बैंक से ले लेते हैं। अब उस कम जैसे मान लीजिए पहुंच गए, गवर्नमेंट मान लीजिए ये कहती है कि भाई आपको हम 50 लाख रुपए का लोन देते हैं और आपको ये काम करना है, और इसमें से हम 5 लाख रुपए आपको क्या कर देंगे, छूट कर देंगे। तो आपने ये सोचा कि अगर हम 50 लाख रुपए हमको गवर्नमेंट ने दी लेकिन हमें चुकाना कितना है, 45 लाख की, तो ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं, उस लोन को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। अच्छा लोन प्राप्त हुआ तो 5 लाख तो देना नहीं पड़ा। अच्छा दूसरी बात, ऐसे जो है जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट कहती है कि हम इन इन तरह के काम करने वाले लोगों को ही 50 लाख रुपया देंगे, तो अगर जो उस तरह का काम नहीं भी करता होगा वह उस तरह का क्या करता है, एक अपना प्रोफार्मा तैयार करता है और वो दिखाता है कि हम भी करते हैं। अब इस चीज को अगर गवर्नमेंट सतर्कता नहीं रखेगी तो गलती बस अगर मान लीजिए उसके पास सारे पेपर हैं तो उसको मिल जाता है लेकिन उसने वह उद्देश्य पूरा नहीं किया। तो यहां पर यही बात यहां पर समझाया जा रहा है कि कर छूट के से कर राहत पाने के लिए प्रावधानों का दुरुपयोग करना आसान हो जाता है, और इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए बहुत सी विधियां गतिविधियां करनी पड़ती हैं। आप समझ पा रहे होंगे, आगे देखिएगा, कर खर्च में छूट देने के कारण अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर्ज की जाती है, इस कारण सरकार अगले बजट में इसके दायरे को बढ़ा भी सकती है। एक पूरी सरकारी मशीनरी को ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए समर्पित होना होगा यदि कर छूट के रूप में नहीं दिया गया, यहां पर आप देख सकते हैं नहीं दिया गया। अब आगे देखिए, हाल के वर्षों में आवास क्षेत्र में कर खर्च आवास क्षेत्रों में कर खर्च के कारण गरीब लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है। अब ये सोचिए ये कैसे हो गया कि कर खर्च से गरीब लोगों की संख्या कैसे बढ़ गई। देखिए ज्यादा से ज्यादा लोग अपने आप को फिर गरीब बताने की कोशिश करते हैं कि हम भी गरीब हैं ताकि हमें क्या हो जाए,
उस लाभ का हमें हुआ लाभ मिल सके। तो ये समझिएगा एक चीज है, मतलब हाल के वर्षों में आवास क्षेत्र में जो हमने होम क्षेत्र में हमने छूट दी है उसके लिए गरीब लोगों की संख्या वृद्धि हुई, इसलिए सब्सिडी के तहत कर खर्च एक आवश्यक बुराई भी है। समझ रहे हैं इस बात को कि किस तरह से यह एक जो है आवश्यक बुराई बन चुकी है। समझिएगा इस चीज को, अगर इसका सही प्रयोग किया जा रहा है तो कर खर्च बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इसका मिसयूज होगा तो यह एक क्या हो जाएगी, यह एक सामाजिक बुराई हो जाएगी। इस तरह से हम बैलेंसिंग अप्रोच में अपने आंसर को लिखते हैं। आइए बच्चों, अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हम आपके सामने यहां पर अगला प्रश्न लेके आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फूड सिक्योरिटी बिल का है। फूड सिक्योरिटी बिल आपको समझना चाहिए। आइए देखते हैं कि फूड सिक्योरिटी बिल क्या है। खाद्य सुरक्षा बिल, समझ रहे हैं, देखिए भोजन सबको चाहिए, जितने भी जीवित प्राणी हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी लोग हैं, सबको भोजन चाहिए, आवश्यक काम है। अगर भोजन नहीं मिलेगा तो जीवन समाप्त हो जाएगा। लेकिन यह खाद्य सुरक्षा बिल किसके लिए है? यह खाद्य सुरक्षा बिल मनुष्यों के लिए है, जीवित व्यक्तियों के लिए है। आइए देखते हैं, खाद्य सुरक्षा बिल से भारत में भूख व कुपोषण के विलोपन की आशा है। मतलब हम क्या ये उम्मीद रखते हैं कि फूड सिक्योरिटी बिल भारत में भूखमरी को समाप्त कर देगी? जो भूख से लाखों लोग मरते हैं हर साल, आप देखेंगे कोरोना से मरने वालों की संख्या बहुत कम है लेकिन बहुत चर्चा का विषय है, लेकिन भूख से मरने वालों की संख्या बहुत लंबी है लेकिन उसका जिक्र नहीं है। खाद्य सुरक्षा बिल में भारत में भूख व कुपोषण के विलोपन की आशा है, उसके प्रभावी कार्यान्वयन में विभिन्न आशंकाओं का समालोचनात्मक विवेचना कीजिए। मतलब आपको एकदम इसमें बिल्कुल बैलेंस बताना है कि क्या इसमें पॉजिटिव है, क्या इसमें नेगेटिव है। और यह भी बताइए कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में इसमें कौन सी चिंताएं उत्पन्न हो गई हैं, हमें यह भी बताना पड़ेगा कि इसमें चिंता का पॉइंट का क्या है WTO के द्वारा। खाद्य सुरक्षा से तात्पर्य, आइए इसके उत्तर को हम समझते हैं एक एक करके और हम लोग अच्छे से इसको समझने का प्रयास करेंगे। और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग यहां पर देख रहे हैं, हम सभी लोग यहां पर देख रहे हैं, बात यहां पर हो रही है फूड सिक्योरिटी बिल की, खाद्य सुरक्षा बिल की, सबको भोजन चाहिए। आइए देखते हैं कि सरकार क्या इसके लिए कहती है और इसमें हम क्या लिख कर आएंगे। खाद्य सुरक्षा से तात्पर्य पहले समझिए क्या है। खाद्य पदार्थों की सुनिश्चित आपूर्ति एवं जन सामान्य के लिए इस बात को ध्यान रखिएगा, भोज्य पदार्थों की उपलब्धता से है। समझिएगा, खाद्य सुरक्षा से यहां पर फूड सिक्योरिटी बिल ये कहता है कि हर एक व्यक्ति को, हर एक जन सामान्य व्यक्ति को भोजन की व्यवस्था करवाइए। पूरे इतिहास में खाद्य सुरक्षा हमेशा से एक चिंता का विषय रहा, इस बात को ध्यान रखिए। देखिए दो तरह की चीजें हैं हमारे भारत में, जो इकोनॉमिक्स है वह इस तरह से बढ़ती है। कैसे? एक तो यह है जो पूंजीपति है, जो पैसे वाला है वह अमीर होता जा रहा है। एक जो गरीब व्यक्ति है वह दिन प्रतिदिन गरीब होता जा रहा है, उसको अपनी रोजी रोटी की भी समस्या है, उसको अपने भोजन की भी समस्या है। तो अब इस बात को ध्यान रखिए, गवर्नमेंट लेके आई फूड सिक्योरिटी बिल की, देखो हम तुम्हें खाने की समस्या तो नहीं होने देंगे। तो उसी के लिए क्या कर रहा है कि पूरे इतिहास में खाद्य सुरक्षा हमेशा से एक चिंता का विषय रहा है। 1974 में विश्व खाद्य सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा की परिभाषा दी गई, जिसमें खाद्य आपूर्ति पर बल दिया गया। खाद्य सुरक्षा एक ऐसी स्थिति है जब अर्थव्यवस्था में सभी को उनकी पहुंच में अनाज उपलब्ध कराया जाता है। क्या कराया जाता है? अनाज उपलब्ध कराया जाता है। यह तीन लक्ष्यों को प्राप्त करने के बारे में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अनाज उपलब्ध कराया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर से मेरी बात समझिएगा, जो लोग भूखे हैं, जिनके पास भोजन की दिक्कत है, जो लोग बीपीएल में हैं, जो लोग गरीब हैं, उनके लिए सरकार कह रही है कि हम आपके लिए अनाज की व्यवस्था करवाने जा रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे व्यवस्था करवाती है। अब देखिए इसके लिए जो है ना तीन बात है भाई, आप एक बात समझिए कि अगर हम भोजन देंगे तो भोजन को हम कैसे इस चीज को डिफाइन कर रहे हैं, इसके लिए तीन बातें हैं। इन तीनों बातों को मैं आपको समझाऊंगा एक एक करके और आपको समझना भी चाहिए। सबसे पहली बात आइए देखिए क्या कर रहा है। सबसे पहली बात यह है खाद्यान्नों की भौतिक पहुंच, पहला पॉइंट क्या है, खाद्यान्नों की भौतिक पहुंच। दूसरा है खाद्यान्नों की आर्थिक पहुंच। और तीसरा क्या है, खाद्यान्नों की सामाजिक पहुंच। खाद्यान्नों की भौतिक पहुंच, किसानों तक जो किसान अन्न को उपजाऊ, उन अन्न को उपजाता है, जो किसान धरती का सीना चीर कर रात दिन धूप में कड़ी मेहनत करके अन्न उपजाता है, वहां उन किसानों तक खाद्यान्नों की भौतिक पहुंच, हमें वहां तक पहुंचना पड़ेगा। अन्न कहां से लेके आओगे? किसान से ही तो लेके आओगे, तो वहां तक आपकी पहुंच होनी चाहिए। देखिए गवर्नमेंट जो है एक जो है न्यूनतम जो है हर चीज के लिए एक मिनिमम क्राइटेरिया तैयार करता है। आप समझिए इस प्रकार से कि देखिए हर साल क्या होता है, बीज के रेट बढ़ रहे हैं,
जो बीज 10 रुपए मिलता था वो 12 या 15 रुपए मिल रहा है, जो खाद अगर मान लीजिए 8 रुपए था वह 10 रुपए हो गया है। तो खाद का रेट बढ़ गया, बीज का रेट बढ़ गया, सिंचाई का रेट बढ़ गया, ठीक है, जुताई का रेट बढ़ गया, पेट्रोल का रेट बढ़ गया, तो अनाज का रेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, कौन सुनिश्चित करेगा? अब मान लीजिए आप कहें अनाज सस्ता है तो किसान तो वैसे ही मर गया। तो पहली बात, पहला हमने क्या बताया, खाद्यान्नों की भौतिक पहुंच, इसका मतलब हमने ये कहा कि हम किसानों तक पहुंच रखेंगे और हम उनके लिए एक निश्चित मूल्य तैयार करेंगे, एक निश्चित रुपये तैयार करेंगे, उसके हिसाब से हम उनको वहां पर तय करती है। दूसरा खाद्यान्नों की आर्थिक पहुंच, ठीक है, इसीलिए ये पॉइंट आ गया। और तीसरा पॉइंट आ गया खाद्यान्नों की सामाजिक पहुंच। देखिए इसमें कई चीजें हैं, सामाजिक पहुंच का मतलब जो हमने लिया उसको हमने सही तरह से स्टोर किया, वेयरहाउस की व्यवस्था हमने की, और उसको वापस हमें क्या करना है, खाद्यान्नों की सामाजिक पहुंच, जहां जहां जरूरत है वहां तक हमें क्या करना है, इसको पहुंचाना है। बहुत सारी चीजें हैं इसमें, केंद्रीय भंडार गृह है, राज्य भंडार गृह है, जो अलग अलग तरीके से जरूरतमंदों तक अपने राशन को पहुंचाने का भी प्रयास करती है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, आप देख सकते हैं खाद्य सुरक्षा अधिनियम कौन सा इन्होंने यूज किया, 2013 खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 पेश किया। किसान के पारिश्रमिक मूल्य के माध्यम से सरकार भौतिक पहुंच सुनिश्चित करती है, जो बात मैंने आपको बताया था, एक उसको पारिश्रमिक मूल्य बताती है कि भाई हम इस रेट से आपका जो है अनाज लेंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं, इससे नीचे मत बेचिएगा। अच्छा, और उपभोक्ताओं को सस्ती कीमत के माध्यम से सरकार खाद्य की आर्थिक जो है सुनिश्चित, और जिसको देना है उसको कहती है कि देखो हम आपको इतने कम पैसे में देंगे, आप घबराइए मत, इस रेट से हम आपको 4 रुपए किलो 3 रुपए किलो गेहूं देंगे, आप खाओ खूब जितना खा सकते हो। तो इस तरह से वो उसको आर्थिक करती है, और आप देख सकते हैं इस तरह से वो आर्थिक करती है, और धीरे धीरे वो जिन लोगों को जरूरत वहां तक पहुंचाती है, उसको उसकी सामाजिक पहुंच को दर्शाता है। इस संविधान के प्रमुख प्रावधान लिखे हैं, आइए इसको समझते हैं। बहला, इस तहत 2/3 आबादी को सस्ता अनाज मिलेगा। अब इस बात को समझिएगा, 2/3 आबादी लगभग होता है बच्चों 66.67%, इस बात को आप समझें, इतना प्रतिशत पॉपुलेशन को गवर्नमेंट कर रही है, 2/3 पॉपुलेशन को कर रही है कि हम आपको अनाज सस्ते में देंगे। और देखिए क्या कहती है, यह विधेयक प्रति व्यक्ति, हर व्यक्ति ध्यान रखिएगा, एक एक व्यक्ति को हम इसमें लेके चलेंगे, प्रति व्यक्ति प्रति माह, हर माह में आपको 5 किलो चावल मिलेगा, समझ रहे हैं, हर माह में, एक माह में हम आपको 5 किलो चावल देंगे, गेहूं देंगे और मोटा अनाज, ये सारी चीजें हम आपको देंगे। और ध्यान रखिएगा यह जो है क्रम से इसका रेट देखिए, 3 रुपया किलो, 2 रुपया किलो, 1 रुपया प्रति किलोग्राम का तयशुदा मूल्य पर आपको दिखाई देता है। बहुत कम मूल्य होता है, मिनिमम मूल्य होता है, नाम मात्र का मूल्य होता है, उतना तो आप चाय पी करके और जो है बीड़ी सिगरेट पी के उड़ा देते हैं, उसमें ज्यादा ही उड़ा देते हैं। तो आप इस बात को, बहुत कम पैसे में यह आपको जो है देने का प्रावधान है, और इस पर एकदम गारंटी देती है सरकार, इस बात की गारंटी देती है कि देखो हम तुमको भोजन देंगे ही देंगे, तुमको मरने नहीं देंगे, तुम विकास करोगे या नहीं करोगे तो बात की बात है, लेकिन खाद्य सुरक्षा जो है बिल यह कहता है कि हम तुम्हें जीवित रखने का पूरा प्रावधान करते हैं। आगे चलिए, खाद्यान्न अनुपलब्धता की स्थिति में खाद्यान्न सुरक्षा भत्ता प्रदान किया जाएगा। अब समझो इस बात को, अगर गवर्नमेंट के पास मान लो खाद्यान्न उनके स्टोर में नहीं पहुंचा है तो क्या कहता है, कोई बात नहीं है, तब हम तुमको पैसा देंगे और तुम मार्केट वाले रेट वाला पैसा देंगे, और मार्केट से जाके तुम इतना गेहूं, इतना चावल और इतना जो है अनाज तुम जाके खरीदो। और देखो इसमें देश की 75% ग्रामीण आबादी, और ध्यान देखना 75% जो है, हमने कहा कि हम 2/3 को कवर करते हैं, लेकिन हमारा जो टारगेट इसमें है कि गांव को हमने 75% कवर किया है, क्योंकि गांव में विकास अभी पहुंचा नहीं है। गांव के विकास में आपको पता होगा कि जो पैसा केंद्र और राज्य से चलता है उसका पूरा तरह से क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि फिर भी गांव के लिए 75% तक हम ध्यान रखेंगे, और शहर में हम इसको 50% आबादी शामिल है। इसके बाद और देखिएगा, इसमें और भी पॉइंट है, मैं आपको दिखाता हूं, गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं को मातृत्व लाभ की हकदार होंगी, जो कि उनको 6,000 रुपए से कम नहीं मिलेगा। मिनिमम हम जो है, जो भी महिला स्तनपान कराती है, और इसके लिए बड़ा सीधा सा प्रावधान होता है, आप हॉस्पिटल में आप जाएंगे, जहां भी जो है बच्चा पैदा होता है वहां पर आप देखेंगे कि अस्पताल में उस सीधा क्या करते हैं, अकाउंट
नंबर वगैरह नोट कर लेते हैं और सीधे अकाउंट में ही क्या करते हैं, 2-2 हजार करके या ऐसे करके वो कम से कम 6 हजार रुपया वह इस योजना के तहत जो है सुनिश्चित कराया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, किसको? गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं को मातृत्व लाभ की हकदार होंगी, जो कि 6 हजार रुपए से कम उनको हम नहीं देंगे। तो ये सारी आप योजना देख रहे हैं और देखिए इससे क्या होता है कि उनको एक जो उस पैसे से जो गर्भवती महिलाएं हैं जो जो दूध पिलाती महिलाएं उनको ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है, उनको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, तो इस तरह से उस चीज का भी ध्यान रखा जाता है। आइए देखते हैं कि इसके क्रियान्वयन में क्या चुनौतियां आई। देखिए जब भी कोई भी नया बिल आता है, जब भी कोई बात होती तो उसके सामने जो चुनौतियां हैं उसे हमें समझना चाहिए। पहला चुनौती क्या है? गरीबी रेखा के नीचे जिसको हम कहते हैं बीपीएल, क्या कहते हैं भाई इसको? हम लोग कहते हैं बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है, गरीबी रेखा के नीचे। बहुत ध्यान दीजिएगा, सबको लाभ नहीं देना है, पता चला कि जो पहले से ही जिनको लाभ की जरूरत थी उनको लाभ दे रहे हैं, समझिएगा। तो जो लोग होटलों में जाके एक ही दिन में 6 हजार रुपया खर्चा कर देते हैं उनको मातृत्व योजना के लाभ का क्या मतलब है, समझिए इस बात को। तो यहां पर बात कही गई बीपीएल, किसकी बात की जा रही है? बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की पहचान करना। अब ये पहचान करना पड़ेगा कि कौन बीपीएल में है, वास्तव में कौन गरीब है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यह किसकी जिम्मेदारी है? यह स्टेट की जिम्मेदारी है और ऐसे में कुछ राज्य पुराने राशन कार्डों को ही नवीनीकृत कर इसका लाभ दे देंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो पहला वाला ही है, पहले से क्या करता है, कोई काम नहीं करना चाहता, तो पुराना बीपीएल में है तो उसको नया भी बीपीएल मिल जाए। अरे जाके देखो तो सही कि उसके घर में इनकम का सोर्स बढ़ा है कि नहीं, उसका जीवन स्तर बढ़ा है कि नहीं, और देखो हो सकता है पहले कोई अमीर व्यक्ति हो अब गरीब हो गया, जाके देखो भोजन की जरूरत किसको है। तो ये आप देखिएगा इसमें जो चुनौतियां हैं। दूसरा, खाद्यान्नों के भंडारण से संबंधित विषयों पर चर्चा नहीं की गई है। भाई आप स्टोर कहां करोगे, उसका आपने कोई प्रारूप तैयार किया है? आपको दिखाना पड़ेगा कि आप स्टोरेज कैसे करेंगे और क्या आपके पास प्रॉपर भंडार गृह मौजूद है, समझिएगा, जो जो ग्राउंड लेवल की बात हो रही है। तीसरा, इसमें देखिएगा खाद्यान्नों के वितरण पुरानी पद्धति सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत हो रही है, जबकि इसमें बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार क्या है, व्याप्त है। अब इस बात को समझिएगा, आप इसको बहुत अच्छे समझ सकते हैं। सब लोग, आप जनरली जो लोग गांव से जुड़े होंगे उनको पता हो गया कोटे की व्यवस्था तो हर जगह ही होती है, तो क्या कोटा वाला जो है वह समय समय पर सही समय पर जो है चीजों को सही प्रकार से आवंटित करता है कि नहीं करता है? पता चलता है कि कोटे पे चीनी आ गई और आपको जब तक पता चला तब तक चीनी खत्म ही हो गई। मान लो चीनी 100 बोरी आई और उसने 20 बोरी ही चीनी करके कहा कि चीनी खत्म हो गई, अब जाके पूछिए कि भाई मेरा कार्ड ये है, मेरा चीनी तुमने किसको दे दिया? और अगर आओ कहा भाई डेट तो खत्म हो गया, आप लेट आए हैं, तो तुमने डेट बताया कब? किसी महीने में तुम 5 तारीख को लेके आते हो, किसी महीने में तुम 15 को लेके आते हो, किसी महीने में 20 को लेके आते हो, तो कोई प्रावधान ही नहीं, बड़ा भ्रष्टाचार व्याप्त है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक ग्राउंड लेवल की चुनौतियां हैं, इसको हमें समझना चाहिए। आगे चलते हैं, ये सारी बातें हमने आपको समझाई कि इसके क्रियान्वयन में क्या-क्या चुनौतियां हैं, ये सब आपने देखा। और आपने देखा कि ये फूड सिक्योरिटी बिल हम किस तरह से लोगों को यहाँ पर एफोर्ड करते हैं, ये सारी चीजें हमने देखी। अब थोड़ी सी बात और आप बताता हूँ, खाद्य सुरक्षा विधेयक विश्व व्यापार संगठन द्वारा तय की गई कृषि सब्सिडी की सीमा का उल्लंघन करने की ओर ले जा सकती है, इस बात को समझिएगा। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है क्योंकि WTO के बारे में यहाँ पर लिंक करके पूछा गया था, यहाँ से आप देख सकते हैं, मैं इस बात को यहाँ पर, खाद्य सुरक्षा विधेयक आप समझ चुके हैं, विश्व व्यापार संगठन द्वारा तय की गई कृषि सब्सिडी की सीमा का उल्लंघन करने की ओर ले जा सकती है। और अगर कुछ वैश्विक नियमों में खाद्य सुरक्षा विधेयक के अनुसार संशोधन नहीं किया गया तो आर्थिक दंड का भुगतान भी करना होगा, समझिएगा इस चीज को, कहीं ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट खाद्य सुरक्षा के चक्कर में जो है विदेशी कर्जे से, फॉरेन कर्जे से, कर्ज से क्या हो जाए, दब जाए, समझिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि जो WTO ने कृषि के लिए जो नीति बनाई थी वह सब क्या हो जाए, फेल हो जाए, एक नीति दूसरे नीति को काट न दे, इस बात को समझिएगा। तो ये सारी चीजें आप यहां पर समझ सकते हैं। हालांकि WTO ने भारत के खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए नियमों में छूट भी प्रदान किया है, उसने कहा कि ठीक है आपकी बहुत अच्छी योजना है और हम आपकी योजनाओं का समर्थन कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये हमने आपको बताया। आइए बच्चों अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय व राजकीय स्तर पर कृषकों को दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की आर्थिक सहायताएं कौन कौन सी हैं, इसको समझना पड़ेगा, कौन कौन सी हेल्प दी जा रही है,
कृषि आर्थिक सहायता व्यवस्था का उसके द्वारा उत्पन्न विकृतियों के संबंध में आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। ध्यान रखिएगा यहां पर कैसा विश्लेषण करना है, आलोचना करना है, तो उसी तरह वह झलक आपको दिखनी चाहिए आंसर राइटिंग में। राष्ट्रीय और राजकीय स्तर पर कृषकों को दी जाने वाली, समझिएगा, राजकीय स्तर और राष्ट्रीय स्तर, ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की आर्थिक सहायताएं कौन कौन सी, आइए समझते हैं इसको। देखिए, कृषि सब्सिडी, विश्व की आधी से अधिक आबादी, खासकर भारत जैसे विकासशील देशों में देशों की आजीविका और खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करती है। ये बात आप समझ पा रहे होंगे। आगे देखिए, ये सब्सिडी दो बड़ी समस्याओं से निपटाती है। कौन कौन सी दो बड़ी समस्याएं हैं? पहली जो समस्या ये है कि इसमें यह सब्सिडी दो बड़ी समस्याओं से निपटती है, पहला खाद्य असुरक्षा और दूसरा आजीविका। पहली बात को समझिए, खाद्य असुरक्षा क्या है? उच्च और अस्थिर खाद्य कीमतों के कारण, इस बात को समझिएगा, कभी देखिए प्याज की कीमत बहुत महंगी हो जाती है, कभी सस्ती हो जाती है, अस्थिरता को समझिए, उच्च व अस्थिर खाद्य कीमतों के कारण, और दूसरा देखिए आजीविका उत्पादन की बढ़ती लागत के कारण। जो मैं आपको बता रहा था कि भाई अगर मान लीजिए गेहूं की कीमत जो है, बीज की कीमत बढ़ रही है, खाद की कीमत बढ़ रही है, पेट्रोल के कारण जुताई की कीमत बढ़ रही है, तो सबका असर पड़ेगा। तो आजीविका उत्पादन की बढ़ती लागत के कारण। आइए देखिए, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर किसको को निम्नलिखित प्रकार की सब्सिडी दी जा रही है, दी जाती, पहली होती है जिसको हम बोलते हैं आगत सब्सिडी। इसमें देखिए दो सब्सिडी है, पहला आगत सब्सिडी है, दूसरा है मूल्य सब्सिडी है, और तीसरा देखिए निर्यात सब्सिडी है। ये सारी बातों पर हम एक एक करके बात करेंगे, आइए इसको एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहली देखिए आगत सब्सिडी, इसके तहत किसानों को कृषि संबंधित विभिन्न आगतों पर सब्सिडी दी जाती है। जैसे यहां पर देखिए क्या क्या सब्सिडी है, उर्वरक सब्सिडी, बिजली सब्सिडी और बीज सब्सिडी, ऋण सब्सिडी, ये सारी सब्सिडी देखिए इसको हम बोलते हैं आगत सब्सिडी। बेसिकली इसके लिए क्या है, सोसाइटी का प्रावधान होता है, उन सोसाइटी पर गवर्नमेंट खुद जो है क्या करती है, वह जो है बीज को, खादों को, सब चीजों को बेचती है। जैसे मान लीजिए 500 रुपए का कोई यूरिया का बोरिया आता है, एक कट्टा यानी 50 केजी का जो यूरिया है, मान लीजिए सपोज के लिए 500 केजी का है, लेकिन गवर्नमेंट क्या करे कि हम इसको 350 रुपए में देंगे, तो आपको 150 रुपए का फायदा मिला कि नहीं मिला? तो एक तो आप बाजार में जाएंगे, अच्छी क्वालिटी का यूरिया नहीं मिलेगा, दूसरा आपको अच्छी क्वालिटी का यूरिया क्या मिल रहा है, 350 में मिल रहा है, तो यह आपको यहां पर लाभ मिल रहा है। इसको आप देखिएगा, पहला जो आगत सब्सिडी है, इसके तहत किसानों को कृषि संबंधित विभिन्न आगतों पर सब्सिडी दी जाती है, जैसे कि उर्वरक सब्सिडी, देखिए मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए यूरिया व अन्य पोषक तत्व रियायती कीमत पर दिए जाते हैं, ठीक है, यूरिया सब्सिडी, उच्चतम सब्सिडी, आरपीएस, ठीक है, जिसको हम रिटेंशन प्राइस सिस्टम के माध्यम से दी जाती है, और अन्य पोषक तत्व, ठीक है, एनबीएस, ठीक है, और आप देख सकते हैं कि माध्यम से ये सारी चीजें दी जाती हैं। बहुत सारी चीजें हैं, डाई है, ठीक है, पोटास है, जिंक है, ये सारी चीजें जितने भी उर्वरक है वो सब सब्सिडी पे मिलती है। दूसरा बिजली सब्सिडी, आपको पता होगा कि बिजली जो है वहां पर जो किसानों का होता है, एक तो बिजली बिल जो है वो काफी सस्ता दिया जाता है, दूसरा चीज क्या होता है कि अगर मान लीजिए कभी लेट भी हो जाता है तो गवर्नमेंट बीच बीच में सब्सिडी दे करके उस पर जो ब्याज होता है सबको खत्म कर देती है। तो ध्यान रखिएगा, भारत में कई इकाइयों में सिंचाई की सुविधा देने के लिए किसानों को बिजली बिल में सब्सिडी दी जाती है। तीसरा देखिए बीज सब्सिडी, सेम प्रोसेस है उर्वरक जैसा ही, कम कीमतों पर किसानों को सरकार द्वारा उच्च उपज वाले हाइब्रिड क्वालिटी के बीज जो है प्रदान किए जाते हैं, ये हमने आपको बताया। चौथा देखिए ऋण सब्सिडी, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कृषि गतिविधियों के लिए किसानों को ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है। आपको पता है ग्रीन कार्ड मिलता है आपको, किसान क्रेडिट कार्ड मिलता है, ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड मिलता है, आप उससे जो है आपको बहुत आसानी से, जैसे हमें लोन लेने में दिक्कत होगी आपको, लेकिन किसानों को कोई दिक्कत नहीं, अगर उनके पास जमीन है, प्रॉपर किसान है, तो उनके पास किसान क्रेडिट कार्ड से उनको इजीली क्या होता है, लोन मिल जाता है, और उस पर भी बाद में उनको काफी छूट दिया जाता है। तो आप ये देखिएगा यहां पर, अगली बात देखिए, दूसरा हमने ये पहला बताया आपको, दूसरा पॉइंट हमारा है मूल्य सब्सिडी। भारत सरकार विभिन्न कृषि उत्पादन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है, इसको मैं बार बार बता रहा हूं आपको, और ताकि बाजार मूल्य में कमी आने पर किसानों की आजीविका सुनिश्चित हो सके, एक न्यूनतम प्राइस कर दिया जाएगा कि भाई देखो 20 रुपए किलो गेहूं है, सरकारी रेट 20 रुपए है, तो गेहूं जो है फिर 22, 24, 23, 20 बिकेगा, 19 नहीं बेचेंगे लोग, क्योंकि अगर 19 बेच रहा है तो सरकार के पास जाके बेच के आएंगे, 20 में तो सरकारी खरीद रही है, तो एक न्यूनतम समर्थन मूल्य का बड़ा फायदा मिलता है किसानों को, इस बात को ध्यान दीजिएगा, इस बात को आप देखिएगा।
नहीं तो सरकार को फिर उस न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्या करना पड़ेगा, उसको लेना पड़ेगा जो मूल्य का आप समर्थन करते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो आप इस बात को देखिए, यहाँ पर हमने बताया आपको मूल्य सब्सिडी। तीसरा निर्यात सब्सिडी, कृषि उत्पादन में निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए निर्यात सब्सिडी दी जाती है। समझिएगा कि आप उस चीज को अन्य जगहों तक पहुंचाए। हाल ही में खाद्य सुरक्षा बिल ने विश्व व्यापार संगठन में कृषि सब्सिडी के विषय पर चर्चा तेज कर दी गई है और कृषि आर्थिक सहायता व्यवस्था ने एक ओर जहां खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहयोग दिया है, वहीं दूसरी ओर इसके कारण कुछ चुनौतियां भी उत्पन्न हुई। चुनौतियां समझिए कि इसमें क्या क्या चुनौतियां हैं। कुछ क्षेत्रों में किसी सब्सिडी ने फसल पद्धति को बिगाड़ दिया है, इससे अंतर क्षेत्र असमानताओं का जन्म हुआ है, इस बात को समझें। दूसरा, विभिन्न क्षेत्रों में भूजल की समस्या भी उत्पन्न हो रही है। देखिए, लगातार जब दोहन होगा, लगातार सिंचाई होगी, तो वाटर लेवल क्या होता है, गिरता चला जाता है पानी, और जो है नीचे चला जाएगा धरती में, पानी का लेवल जो है नीचे, भूजल की समस्या हो जाती है। किसी सब्सिडी पर छोटे व सीमांत किसानों को ज्यादा फायदा नहीं हो पाता, जो छोटे मोटे किसान है उनको इस तरह की सब्सिडी का ज्यादा लाभ नहीं मिल पाता है, तो ये भी यह समस्या है। वो भारत में उच्च राजकोषीय घाटे का एक मुख्य कारण किसी सब्सिडी बना हुआ है। ठीक है, राजकोषीय घाटा पर एक जिम्मेदार यह भी है, हमने पहले भी राजकोषीय घाटे का जिक्र किया हुआ। अत्यधिक उर्वरक के प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता शक्ति क्या हो जाती है, क्षीण हो जाती है। भाई ज्यादा जब आप करेंगे तो यहां पर मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी क्षीण हो जाती है, पर्यावरणीय असंतुलन को जन्म दे देता है। तो ये सारी चीजें आपको पता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अत्यधिक सब्सिडी और गैर जरूरतमंदों को दी जाने वाली सब्सिडी ने राष्ट्र के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है, इससे पर्यावरण परिस्थिति की गुणवत्ता पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। आप इस पूरे चीज से इस कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं कि भाई बड़े काश्तकारों को छूट मिल रही है, छोटे और जो है परेशान लोगों को नहीं मिल रहा है, जबकि यह व्यवस्था किसके लिए की गई थी कि छूट का लाभ किसको मिलना चाहिए, जो कमजोर है, जो परेशान है, इस बात को समझिए। और आप देख सकते हैं कि पर्यावरण पर भी इसका जो है अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा है। लगातार आप जो है खादों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करते हैं अधिक उपजाजन के लिए, तो पृथ्वी पर उसका बुरा इफेक्ट पड़ रहा है, भूजल की समस्या उत्पन्न रही है, ये सारी चीजें आपने देखी। इस तरह से हम इन कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हमने आपको इन क्वेश्चन को कराया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छी प्रकार समझ में आया होगा। अपने कमेंट लगातार जो भी आप चाहते हैं, ठीक है, पॉजिटिव दिशा में अपने कमेंटों को बताएं और हम उस दिशा में ही लगातार आपके लिए यहां पर प्रतिबद्ध है काम करने के लिए। पूरी टीम लगातार आपके लिए अच्छे से काम करती है। एक एक चीजों पर गहन चिंतन अध्ययन करने के बाद ही आप तक उस चीज को पहुंचाया जा रहा है। तो मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में और आगे की बात करेंगे। यहां पर अपने शब्दों को हम विराम देते हैं। धन्यवाद बच्चों।